सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी देशी निवेशकों को साधने के लिए मुंबई गए हैं। इस दौरान वो बड़े उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही फिल्म जगत से जुड़े लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं कल 5 जनवरी को सीएम योगी रोड शो करेंगे। आज बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रोड शो करेंगे। बता दें कि सीएम योगी 5 से 27 जनवरी तक देश के 9 शहरों में होने वाले रोड शो करेंगे, जिसकी शुरुआत वह मुंबई से करेंगे। और हमारे इस खबर पे विवेक शाही हमारे साथ जुड़ेंगे। माया नगरी में आज मुख्यमंत्री सीएम योगी पहुंच रहे हैं। विवेक जी, नंदिनी, कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंच चुके थे और कल उन्होंने वहां से मुंबई को संबोधित भी किया था और आज मुंबई में वो रोड शो करेंगे। और रोड शो की कमाल जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही संभालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी में 10 से 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है और इसके लिए जो उनका प्रतिनिधिमंडल है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो अपना विदेशी दौरा पूरा करके जो है अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुका है। मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा भी कर ली है। मुख्यमंत्री ने इस विदेशी दौरे से 10 लाख करोड़ के विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा था, जबकि जिसमें 7.5 लाख करोड़ का लक्ष्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद जो है विदेश से निवेशकों को आमंत्रण देने के बाद जो है मुख्यमंत्री मुंबई पहुंचे हैं। मुंबई के बड़े उद्योगपतियों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे निवेश के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश निवेश उनके लिए कितना जरूरी है, उत्तर प्रदेश में निवेश करके उनको क्या प्रॉफिट है, यहाँ की जनता को क्या प्रॉफिट है, कुल मिला जुलाकर निवेश की संभावनाओं पे बात होगी। रोड शो करेंगे। विदेशों में रोड शो करने के बाद, जैसा कि प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश सरकार के विदेशों में रोड शो कर चुके हैं, खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वतंत्र देव सिंह से लेकर तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने अपने दौरे को पूरा किया है, समीक्षा रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। मुख्यमंत्री ने एक एक रिपोर्ट की समीक्षा की है। इसके बाद वो जो घरेलू उद्योगपति हैं, जो घरेलू व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मिल रहे हैं, खुद निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में आमंत्रित कर रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में निवेश पूरा हो सके। जो 10 लाख करोड़ का निवेश का आंकड़ा था उसको जो है वो पूरा करते हुए देखा जा सकता है। इस प्रकार मुख्यमंत्री जो है सूबे की अर्थव्यवस्था का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री अग्रसित दिख रहे हैं इस दौरे के द्वारा। और बाकी जो केंद्र सरकार की योजना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसको जो है वो सहयोग कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाकर। नंदिनी, फिल्म हस्तियों से मुलाकात करेंगे तो क्या फिल्म सिटी को लेकर भी कुछ चर्चाएं होंगी? किन किन हस्तियों से मुलाकात कर सकते हैं वो? जी बिल्कुल, जैसे हमने जाना कि बॉलीवुड में जब बाइकआउट का ट्रेंड शुरू हो गया था तो उत्तर प्रदेश सरकार में नोएडा फिल्म सिटी, जो कि पहले से ही वो फिल्म सिटी थी, उसका जो है वो जीर्णोद्धार करना शुरू किया, उसको डेवलप करना शुरू किया और नोएडा फिल्म सिटी से फिल्में भी बन रही है। तो देश से कुछ नामी गिरामी हस्तियों से वो मुलाकात कर सकते हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो बड़े निर्देशक हैं, जिनके पास बड़े बैनर हैं बॉलीवुड में जो स्थापित हैं, उनसे जो है मुलाकात करके नोएडा फिल्म सिटी के बारे में, यहाँ जो है फिल्म बनाने की बात को लेकर मुलाकात हो सकती है। और किस प्रकार से ये भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा जा सकता है कि अगर यूपी में निर्माण होता है फिल्मों का तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसमें टैक्स कम लेगी या फिर पूरी तरीके से टैक्स फ्री कर देगी। हमने पहले भी देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कंगना रनौत की फिल्म हो या फिर हेमा मालिनी की जो फिल्म हो उसको जो है टैक्स फ्री कर दिया था। तो इस प्रकार के लुभावने जो है प्रस्ताव फिल्म जगत के लोगों को दे सकती है ताकि वो नोएडा फिल्म सिटी से अपना संचालन करे और कई प्रकार के काम जो है इस प्रकार से निवेश के जरिए कर सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
उत्तर प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा और आखिरी दिन है। यह यात्रा शामली के एलम से शुरू हुई। आपको बता दें कि राहुल गांधी बुधवार रात को यात्रा समाप्त करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए, जिसके बाद आज सुबह वह दिल्ली से लौटकर इस यात्रा में शामिल हुए। वहीं कुछ घंटों बाद यह यात्रा कांधला होते हुए कैराना पहुंचेगी। कैराना के ऊंचा गांव पहुंचने के बाद यात्रा विश्राम कर रही है, जिसके बाद शाम 3:30 बजे के करीब यात्रा फिर से शुरू होगी। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में तीसरा और आखिरी दिन है। ये यात्रा बागपत गाजियाबाद से शुरू हुई थी, बागपत पहुंची और आज शामली में कैराना में खत्म हो जाएगी। ये यात्रा में काफी जनसंख्या देखने को मिल रही है, जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है। लगातार कई विपक्ष की तरफ से भी लगातार राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है इस यात्रा में। वहीं बात करें आज यूपी में, तो आज यूपी में आज राहुल गांधी की इस यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन है और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे सुहानी। सुहानी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में आज आखिरी और तीसरा दिन है। जी नंदिनी, आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा जो है पूरा अभी नौ राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से जो गुजर के अभी जो कि 150 दिनों का ये जो भारत जोड़ो यात्रा है और अभी तक 3,122 किलोमीटर तय कर चुकी है। और आज ये उत्तर प्रदेश में जो कि 3 राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा अभी चलेगा और जो 3 जनवरी से शुरू हुआ है और आज भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में इसका अंतिम दिन है। और वही भारत जोड़ो जो बागपत गाजियाबाद और शामली, और आज शामली में आज भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन। और आपको बता दें कि इसमें जो भारत जोड़ो यात्रा जो शामली में अभी जो सज्जित कौर जो 144 धारा लागू भी कर दिए हैं और इसमें जो तमाम नेता भी शामिल हुए, वही जो जो गायकार है काबा जो गाना गाती है वो भी नेहा भी इसमें शामिल हुई है। तो ऐसी भारत जोड़ो यात्रा की जो प्रदेश वो शुरू होते हुए चला आ रहा है और इसमें भारत जोड़ो यात्रा जो कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो राजनीतिक सफर खत्म होने के करार पे है वो अब कहीं ना कहीं शुरू होते दिखाई दे रहा है और एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि जो मेरा भाई एक योद्धा है और वो एक सत्य का कवच पहन के भारत जोड़ो यात्रा में निकल चुका है। और जो दूसरी तरफ जो विपक्ष है जो कि पूरी तरह से भारत को खत्म करने के लिए साजिश रचे जा रहे हैं, वहीं मेरा भाई जो है गांधी जी के मार्ग पर चल के फिर से एक भारत में एक नई दिशा और एक नई और लेकर आएगा और गरीबों का साथ देगा, किसानों का साथ देगा। वही बागपत में किसानों का भी साथ मिला। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी हैं उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो किसानों का साथ दिया है और हम अब भारत जोड़ो यात्रा से एक नई दिशा भारत को देंगे। सुहानी, देखा जाए कांग्रेस यूपी में पस पड़ी हुई है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को जन समर्थन अपार मिल रहा है, किस तरीके से इसको देखा जाए? सुहानी नंदिनी, एक बार आप रिपीट करेंगे, सुनाई नहीं दे रहा है। सुहानी, देखा जाए जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस पस्त पड़ी हुई है लेकिन राहुल गांधी को अपार जन समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से इसको देखा जाए? जी मैं जी नंदिनी आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं पूरा जो भारत है वो एक जो गरीब तबके के लोग हैं या किसान हैं इससे जुड़ रहे हैं। वो जो जब ये 7 सितंबर 2022 से जब शुरू हुआ तो वहाँ से ही तमाम ऐसे नेता और सेलिब्रिटी जो भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहे हैं और उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो किसानों का और जो गरीब को जो पिछड़े लोग को जो छोड़ दे रहा है वो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा से उनको सहायता मिलेगा। और साफ तौर पर यही कहना है प्रियंका गांधी वाड्रा का कि जो मेरा भाई है वो अब जो गरीब तबके के लोगों को और किसानों को इस बार एक नया वो मोड़ देगा उनकी जिंदगी में और इससे भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की भी राजनीतिक में सफर में एक नई मोड़ मिल रही है। तो तमाम ऐसे जो नेता है वो भी साथ दे रहा है और इसमें RLD के नेता भी आज जो शामली में उसमें शामिल हुए हैं और इसमें आपको बता दें अजय कुमार जो है वो भी शामिल हो गए
और इसमें बागपत भारत जोड़ो यात्रा में गाजियाबाद में जो जब शुरू हुआ था तो प्रियंका वादी वाड्रा का साफ तौर पर यही कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा देश में एक नई एक पहचान लेके आएगी कांग्रेस के लिए और कहीं ना कहीं राजनीतिक सफर में भी उनको एक अच्छा योगदान मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा से। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। देश और प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से तेजी से दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके चलते प्रदेश को 10 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक की सौगात मिली है। साथ ही केंद्र सरकार ने छोटे छोटे राज्यों में बचे टीकों को यूपी में भिजवाने का निर्णय लिया है। वही डिप्टी सीएम ऋषिज पाठक ने केंद्र को पत्र भेजा था जिसके बाद जल्द ही प्रदेश में कोविड की खुराक आ जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे विवेक। विवेक देखा जाए तो लगातार कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार ने जो बचे हुए टीके हैं उसको उत्तर प्रदेश में भिजवाने का काम किया है। देखिए नंदिनी, कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस जो है भारत में बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है अगर आज की डेट में देखा जाए तो कोरोना मुक्त हो गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कोरोना के कल तक कोई भी नए केस सामने नहीं आए थे। इस प्रकार से पूरे 33 दिनों के बाद जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो है वो कोरोना मुक्त हुआ है और राजधानी लखनऊ जो है वो 33 महीने बाद कोरोना से मुक्त हुआ है। एक भी नए केस जो है वो कल तक जो है राजधानी लखनऊ में नहीं आए हुए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने एक चिट्ठी लिखी थी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, अवगत कराया था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है वो कमी है, लखनऊ में कमी है टीकाकरण को लेकर, वैक्सीन को लेकर, जिसके लिए ब्रजेश पाठक ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी और एक से दो दिन के अंदर ही कुल 10 लाख जो है खेप वैक्सीनेशन की यहां पहुंचने वाली है। तो ये काफ़ी राहत की बात है कि कोरोना जहां एक तरफ कम हो रहा है लखनऊ में, उधर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार जो है ज़्यादा अलर्ट दिख रही है, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ज़्यादा अलर्ट दिख रही है और एक से दो दिन में जो 10 लाख खेप आएंगे उसके लिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन होगा। और जिनके पास बूस्टर डोज अब तक नहीं लगी है, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेकेंड डोज तक नहीं लगवाई है, कई लोगों के पास बूस्टर डोज अभी तक नहीं है, तो उनको कोविशील्ड कोवैक्सीन जो भी वैक्सीनेशन उन्होंने कराया है उसके लिए उनके बूस्टर डोज का इंतजाम उत्तर प्रदेश सरकार ने देख लिया है, देख रखा है और ये काफी अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा। नंदनी जी, वैक्सीन की बात करें तो नेजल वैक्सीन आई है मार्केट में और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में ये निर्देश दिया गया था मॉकड्रिल करने का, लगातार बैठक की जा रही है कि ताकि उत्तर प्रदेश में कोरोना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त हो गया है तो अब कोरोना का खतरा ना बढ़े ज्यादा। जी बिल्कुल, नेजल वैक्सीनेशन के आने के बाद से लोगों को काफ़ी राहत है, केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन ये जो नेजल वैक्सीनेशन होगा ये उनके लिए पहले ट्राई किया जाएगा जिन्होंने किसी प्रकार की कोई अभी वैक्सीनेशन नहीं कराई है, ना ही कोविशील्ड लगा है, ना ही स्पुतनिक लगा है, ना ही उनके पास कोवैक्सीन है, तो पहले उनको ट्राई किया जाएगा नेजल वैक्सीन के द्वारा, क्योंकि जिन्होंने भी फर्स्ट या सेकेंड डोज कोवैक्सीन की लगा ली है उनको बूस्टर भी कोवैक्सीन का लगेगा। अगर कोविशील्ड की फर्स्ट सेकेंड डोज है तो बूस्टर भी उनको कोविशील्ड का लगेगा। लेकिन ये बड़ी राहत है कि नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार ने मान्यता दे दी है, इससे टीकाकरण के अभियान में तेजी होगी और लोग जल्दी और कम समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड भी होंगे ताकि कोरोना से बचा जा सके। नंदनी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में आज ठंड का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही इस बार ठंड ने अपने 12 साल पुराने पिछले रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इसके अलावा आज हल्की बूंदाबांदी की भी आशंका है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह का मौसम 7 जनवरी तक बना रहेगा। साथ ही 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। लगातार बता दें कि ठंड का सितम जारी है। राजधानी में ठंड का अनुमान पूर्वानुमान हवा चलने की पूर्वानुमान लगाया गया है। सर्दी ने 12 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वहीं बात करें हल्की बूंदाबांदी की भी आशंका जताई जा रही है। बता दें कि लगातार सर्द का सितम ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी में 22 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक तापमान अनुमान किया गया और वहीं लगातार डीएम रैन बरसेरो का निरीक्षण भी कर रहे हैं। लोगों को प्रशासन की तरफ से लगातार बैठक की जा रही है कि रैन बसेरो का जो उनको पूरी व्यवस्था दी जाए अलाव को लेकर, किसी को भी ठंड से कोई नुकसान ना हो। इसी ठंड के चलते आम जनजीवन व्यस्त भी हो चुका है। मंडलायुक्त रोशन जैकब ने भी निरीक्षण किया है और लगातार बता दें कि डीएम निरीक्षण कर रहे हैं। और वहीं स्कूलों की बात करें तो कहीं स्कूलों में अवकाश कर दिया गया है। ठंड का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। लोगों का आम जनजीवन व्यस्त अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कों पर आवागमन वाहनों का आवागमन कम हो चुका है, आप देख रहे होंगे। वहीं बात करें सर्दी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि ठंड का सितम लगातार जारी है जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग घरों में दबके रहना रहना चाह रहे हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बात करें वहीं ठंड ने 12 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और 7 जनवरी तक ऐसा मौसम बना रहेगा। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज हवाएं भी चलेंगी और हल्की बूंदाबांदी की भी आशंका बनाई हुई है। अलग अलग जिलों के लगातार डीएम अपने जिलों में निरीक्षण कर रहे हैं ताकि रैन बसेरों को वो सुविधा दिलाई जा सके, उन्हें कोई नुकसान ना हो, सर्दी की वजह से उन्हें ठंड ना लगे। लगातार निरीक्षण कर रहे हैं डीएम अपने अपने जिलों में। रैन बसेरों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, उन्हें कंबल वितरित किया जा रहा है। बता दें कि हल्की बूंदाबांदी की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं सर्दी ने और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ेंगे और गाजियाबाद से प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल, देखा जाए लगातार सर्दी का सितम बढ़ती जा रही है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से वहां पर व्यवस्था की गई है कानपुर में? जगह पे हर जगह पे अलाव जलाए जाए, अलाव के साथ साथ हर जगह बोर्ड लगाए जाए, जितने भी रैन बसेरा है वहाँ पे औचक निरीक्षण भी किए गए और लगातार जितने भी लोग रैन बसेरा में रहते हैं उनके लिए जो भी सुविधा है वो मुहैया कराई जाए। साथ ही रैन बसेराओं में जो अलाव है वो जलाए और साथ ही जितने भी आसपास लोग हैं जो कि सड़कों पे सो रहे हैं किसी को भी सड़कों पे ना जाने दें। साथ ही लगभग जितने भी गौशाला वगैरह हैं वहाँ भी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई। हालांकि कानपुर में जो आज का तापमान है 4.4 डिग्री सेल्सियस रहा है और रात का तापमान इससे भी कम रहा है और कल की अपेक्षा आज थोड़ी कानपुर के लिए राहत है क्योंकि आज कानपुर में धूप आई है। इसके अलावा जब
लियम ने कुछ जो पहले औचक निरीक्षण किया था, औचक निरीक्षण में बहुत सी जगह पे अधिकारियों को भी डांट फटकार भी लगाई थी कि अगर इस तरीके से व्यवस्था होगी तो कहीं ना कहीं उनको सरकार की नीतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस हिसाब से लगातार स्ट्रोक और हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ रही है संख्या के बढ़ते, अभी कुछ दिनों पहले हमने कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर कृष्णा से जब बात की थी तो उन्होंने बताया कि लगातार इस सर्दी में कोविड के केसेस कोरोना में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ गई है। जो अमूमन प्रतिदिन ओपीडी 700-800 प्रति थी, वर्तमान में ओपीडी जो है लगभग 700 से 800 हो गई। साथ ही आज की बात की जाए तो कानपुर में लगभग 13 मामले ऐसे आए हैं जिसमें हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या है। जी, गाजियाबाद से प्रवीण का रुख करेंगे। प्रवीण, क्या स्थिति बनी हुई है गाजियाबाद में, किस तरीके से प्रशासन अलर्ट है ठंड को लेकर? देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में लगातार पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर ली जाती है, लेकिन हालांकि मौसम विभाग ने से पहले से जानकारी दे दी थी कि जो लगभग दिसंबर और नवंबर में सर्दी देखी जाती थी वो कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी और मार्च तक में देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है खासा तौर पर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो विजिबिलिटी है शाम के समय और सुबह के समय में ज्यादा कम देखने को मिलती है। वहां पर रोड की ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक से भी लोग काफी परेशान होते हैं क्योंकि रोडवेज बसेस है उसके लिए पाबंदी लगा दी गई है। जहां तक की बात करें कि आनंद विहार से लेके जो कौशाम्बी डिपो है गाजियाबाद का, वहां पर पहले से ही 10 बजे के बाद से रोडवेज बसेस जो है उनको प्रतिबंध कर दिया गया है कि रात के समय बसें नहीं निकाली जाएंगी। और बात करें अगर यहाँ पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वहां पर लगातार जिलाधिकारी से लेके जो भी नगर निगम के लोग हैं सभी लोग वहां पर जाकर पूरे जो अलाव से लेके सब व्यवस्थाएं देख रहे हैं। किसी को अगर कंबल की जरूरत है या किसी को रजाई की जरूरत है तो सब चीजें मुहैया कराई जा रही है। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोड पे सो रहा है तो उसको वहां से उठाकर रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। और साथ ही साथ जो यहाँ के प्रशासनिक लोग भी हैं वो भी खासा तौर पर मदद कर रहे हैं। और लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि शाम रात के समय में जो गरीब लोग हैं जो रोड पे सोना पसंद करते हैं खासतौर पे क्योंकि उनके लिए कोई आसियाना नहीं होता है, तो उन लोगों को उठाकर जो नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्थाएं की जा रही है उन लोगों को ले जाकर रैन बसेरे में शिफ्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनके खाने पीने से लेकर उनके लिए अलाव की सब चीजों की व्यवस्था की जा रही है गाजियाबाद के अंदर में। अगर बात करें पूरे NCR में तो ठंड से काफी लोग परेशान इस समय नजर आ रहे हैं और खासतौर पर लोग मजबूर हैं, घर में कैद हो गए हैं क्योंकि ठंड जो है सुबह और शाम के समय जो अपना रूप दिखा रही है बहुत बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग खासा परेशान है क्योंकि अलाव का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ चाय की चुस्कियों का सहारा ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। लगातार बढ़ता ही जा रहा है, राजधानी में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। वहीं रैन बसेरों के लिए प्रशासन ने जगह जगह पर व्यवस्था किया हुआ है, वहां पर उनको कंबल वितरित किए जा रहे हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है। और यहीं पर आज ठंड की बात करें तो 12 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लोगों का आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है, लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं, वहीं सड़कों पर वाहनों का आवागमन कम होता दिखाई दे रहा है। और बात करें स्कूलों की तो कहीं कहीं स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं और कहीं कहीं स्कूलों में समय का बदलाव कर दिया गया है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूलों की टाइमिंग रखी गई है। तो लगातार बढ़ती ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त देखने को मिल रहा है। और इस लखनऊ से हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में किस तरीके से माहौल देखा जा रहा है, सर्द तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? कड़ाके की ठंड पड़ रही है पूरे भारत में, कड़ाके की ठंड अच्छी बार 12 वर्षों के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरीके की गलन हो रही है, जिस तरीके का ठंड हो रहा है, कहीं ना कहीं बीमारी को दावत दे रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से ऐसा से निर्देश दे दिया और आदेश दे दिया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी लापरवाही करेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी सख्त निर्देशित किया है और जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है। लगातार प्राइम टीवी पर एक खबर दिखाई जा रही थी कि कुर्सी रोड के कुछ चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं थी। कुछ प्रमुख चौराहे चिन्हित किए गए थे, लगभग लखनऊ के
650 जगहों को चिन्हित किया गया है और 594 जगह के आसपास अलाव जलाने की थी, लेकिन उतना क्यों तो जलाया भी गया। फिलहाल अभी लगातार जिस तरीके से टीवी कराते थे ठंड को लेकर के खबर चला रहा था, प्रमुखता से दिखा रहा था, उसको लेकर के लखनऊ के उसी रोड चौराहे पर टीवी पुलिया पर अलाव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो सिपाही ड्यूटी पर रहते हैं, जैसे कर्मी ड्यूटी पर रहते हैं, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं की, यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल अब जिस तरीके से अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था की जा रही है, कहीं ना कहीं शासन अच्छा कदम उठाए इसके लिए और काफी लोग हमारे किसी भी देख रहे हैं कि यहाँ अलाव जल रहा है, पुलिसकर्मी यहाँ है और अलाव यहाँ से काट सकते हैं और किसी तरीके को अपनी किसी को अपने शरीर को सही करने नहीं देते हैं। फिलहाल जिस तरीके की ठंड है, लगातार ही 12 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। देश के वाहनों के लिए कुछ सख्त निर्देश दिया गया है, जिस तरीके से वाहनों को रात में नहीं चलाया जाएगा क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाती है। देखिए बिल्कुल ये साफ तौर पर कह दिया गया है, एहतियात के तौर पर अगर विजिबिलिटी कम है, अगर शून्य दृष्टता है तो जरूर अपने वाहनों को रास्ते में कहीं खड़ा कर दें और जब कोहरा फट जाए उसके बाद वाहन चलाने के निर्देश ऐसे दिए गए हैं, सुझाव भी दिए जा रहे हैं लगातार जबकि क्षेत्रीय अधिकारियों की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से। फिलहाल अभी यहाँ पर जो रहे बसेरों का सिस्टम है उसको भी सुधारा गया है, इस तरीके से पूरे ये आदेश भी दिया गया था कि कोई भी वाहन छूटा हुआ नजर नहीं आएगा, अगर रास्ता ले जाकर जाएगा। फिलहाल लखनऊ के जिलाधिकारी स्वयं और मंडल आयुक्त खुद लखनऊ के चप्पे पर अपना भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं, अलाव की व्यवस्था देख रहे हैं और जहाँ पर बसेरा बनाया है वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और जो भी संकुचित व्यवस्था है उसको मुहैया करा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। आज के लिए खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस